हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अलग अलग क्लास के बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक होम ट्यूशन रन करते हैं और आपके पास है फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे, फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे, एट्थ स्टैंडर्ड के बच्चे, सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे, तो ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चों को आप एक साथ एट ए टाइम कैसे पढ़ा सकते हैं होम ट्यूशन में, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आप अपना होम ट्यूशन बहुत ही अच्छे से रन कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज होती है तो इस वीडियो में वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल होती है तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पर लाती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूले। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक होम ट्यूशन रन करते हैं और आपके पास ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि एट अ टाइम आप सिर्फ 10 बच्चों को लेकर ही बैठिए। मैंने ऐसे 10 बच्चे मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टैंडर्ड के बच्चे है तो आप 10 बच्चे लेकर बैठोगे। जैसे आपके पास है 20-30 बच्चे, तो आपको एक बैच में 10 बच्चों को ही लेकर बैठना है। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पास सेकेंड स्टैंडर्ड के 2 बच्चे हैं तो उनको एक लॉट में रख सकते हो आप। जैसे फोर्थ के 3 बच्चे हैं तो उसे भी एक लॉट में रख सकते हो, और सिंगल सिंगल बच्चे हैं तो भी आप उन्हें एक लॉट में रख सकते हो, बट एक लॉट में सिर्फ 10 बच्चे होने चाहिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। जब भी आप एक लॉट में 10 बच्चे लेकर बैठोगे ना, तो आप ईच बच्चों को अच्छे से टाइम दे पाओगे एंड हर एक बच्चे के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन भी पड़ता है और उनकी स्टडीज भी इम्प्रूव कर सकते हो आप। अगर आप एक टाइम पे बहुत सारे बच्चे 10-30 बच्चे आप लेकर बैठोगे, 20-30 बच्चे लेकर बैठोगे, तो आप किसी को भी ठीक से टाइम नहीं दे पाओगे, इवन बच्चे भी ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे और आपके बच्चे की जो संख्या है वो भी कम होती जाएगी अपने ट्यूशन में से। तो इतने बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि एट ए टाइम एक लॉट में सिर्फ 10 बच्चे आप ले। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कि आप हर एक बच्चे को अलग अलग कैसे पढ़ा सकते हो। सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर आपके पास है फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा, थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा, सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा, तो क्या करिए आप, जब भी आप पढ़ाए उन्हें तो हाफ स्टूडेंट को आप लर्निंग दे सकते हैं, हाफ स्टूडेंट को आप मैथ्स टाइप कोई क्वेश्चन दे सकते हो। जब भी आप मैथ्स करवाते हो बच्चों को तो उसमें आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन होती है तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो बार बार आपसे पूछते हैं। और जो बाकी के बच्चे होंगे उन्हें आप कुछ लर्निंग के लिए दे दीजिए। तो जैसे अगर छोटे बच्चे हैं उन्हें कुछ लर्निंग के लिए दे दिया, तो आज थोड़े बच्चे बड़े बच्चे हैं उनको आप मैथ्स दे सकते हो। तो इन्हें थोड़ा सा साइड में रखकर आप इनके ऊपर एक 1 आवर ध्यान रख सकते हो। तो जैसे ही इनके साथ आप मैथ्स करोगे 1 आवर के लिए, तो इनके साथ आपका जो भी बॉन्डिंग है, जो भी आपका काम है, इनके साथ आप कर सकते हो। इस पार्ट लर्न कर रहे हैं, ये वाले पार्ट, ऐसा नहीं है कि जब उन्हें आप मैथ सिखा रहे हो तो आपने सिखा दिया और वो पूरा एक बार में सीख गए, ऐसा नहीं होता है। वो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पहले उन्हें सिखा दीजिए, वो अपना काम करे, तब तक आप इन्हें एक्सप्लेन कर दीजिए। ना ये थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको थोड़ा उसे प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के साथ आता है, बट इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो क्लास को। तो जब भी इन्हें आप मैथ सिखा रहे हो तब तक इन्हें लर्निंग दे दीजिए, ये अपना लर्निंग करते रहेंगे। इन्हें आप सम्स सिखा दीजिए, ये फिर सम्स करेंगे, उसके बाद आपको जो लर्निंग वाले पार्ट है उनका आप क्वेश्चन आंसर्स लर्न किया हुआ टेस्ट ले सकते हो, या फिर उन्हें कोई और सब्जेक्ट थोड़ा बहुत सिखा सकते हो साइड बाय साइड। इसी तरीके से नेक्स्ट आर में आप क्या कर सकते हो, इन्हें लर्निंग दे सकते हो और इन्हें आप कोई एक्सप्लेनेशन हो या फिर उनका भी अगर कोई मैथ्स हो तो उन्हें आप सिखा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपने दोनों को ही टाइम दे दिया और दोनों ही बैच के बच्चे मतलब दोनों ही क्लास के बच्चे इजीली सीख भी पाएंगे। जब आप दो चीज को डिवाइड करते हो, जब भी आप दो स्टैंडर्ड को डिवाइड करते हो, तो जैसे कि आपने लिया है थर्ड फोर्थ और इसमें लर्निंग के लिए आपने लिया है फर्स्ट और सेकंड, तो जब भी फर्स्ट और सेकंड के बच्चे लर्न करेंगे तो उन्हें कुछ तो सिमिलरी होता है। जब भी आप 1 ग्रेड अप और 1 ग्रेड डाउन को पढ़ाते हो, जैसे फर्स्ट और सेकंड के बच्चे जो होते हैं, सेकंड के बच्चे को फर्स्ट का ही थोड़ा सा अपग्रेडेशन होता है एंड जो सेकंड का बच्चा होता है वो थोड़ा सा अपडेट पढ़ता है, छोटा बच्चा होता है जो फर्स्ट का बच्चा होता है वो थोड़ा सा लोअर पढ़ता है। जब आप मैथ सिखाते हो तो मैथ्स में भी सेम इसी तरीके का होता है। थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा कम ग्रेड का आता है, उसी का अपडेट फोर्थ स्टैंडर्ड में उन्हें आता है। तो दोनों को ही आप मैथ सिखा भी पाओगे, इन दोनों को आप लर्निंग भी करा पाओगे, एट द सेम टाइम आप भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे।
तो इससे बहुत ही अच्छे से आप दोनों ही बच्चे के और दोनों ही क्लास को इजीली पढ़ा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड का ही बच्चा हो, थर्ड या फोर्थ का ही बच्चा हो, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है। ऐसे भी आप कर सकते हो, सेकंड और थर्ड को भी पढ़ा सकते हो, फर्स्ट एंड फोर्थ को भी पढ़ा सकते हो। बस यही ट्रिक को आपको फॉलो करना है कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आप अच्छे से उन्हें अच्छे से टाइम देकर पढ़ाइए। और जैसा मैंने ट्रिक आपको बताया है, इससे आप पीछे जाकर थोड़ा और अच्छे से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से इसे पढ़ा भी पाओगे। तो इस ट्रिक को आप जरूर फॉलो करिए। एंड अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।